दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप वीडियोस देख सके सबसे पहले। बहुत खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो, तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीबी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आओ मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ कर। एक मिनट काजी साहब। इससे पहले कि इसके कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर, जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके होठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की फौज को ललकार था, आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खबरदार,